अब जब परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत विराजमान हैं। कोई कहता है तपस्या करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा जाप करो, किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा साधना करो, किसी ने कहा स्वाध्याय करो। लेकिन उसी समय षोडश वर्षीय, 16 वर्ष की उम्र है जिनकी, 16 वर्षीय परम सुंदर, अब देखो सुखदेव जी महाराज आए हैं यहां और उनकी उम्र बताई है 16 वर्ष। लेकिन वेद व्यास जी भागवत में ये नहीं लिखते कि षोडश वर्षीय, वेद व्यास जी लिखते हैं अष्टाद्वी, 8 और 2। अब 8 और 2 को यदि जोड़ दो तो क्या होता है? 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10। तो उम्र हो गई 10 वर्ष। फिर 8 और 2 में गुणा कर दो तो क्या होता है? 8 दूनी 16, उम्र हो गई 16 वर्ष। अब पहले 8 लिख दो फिर 2 लिख दो तो उम्र हो गई 82 वर्ष। तो सुखदेव जी की उम्र क्या थी? 10 वर्ष थी, 16 वर्ष थी या 82 वर्ष थी? तो कहा सुखदेव जी की तीनों उम्रें थी, 16 वर्ष के भी थे, 10 वर्ष के भी थे और 82 वर्ष के भी थे। कैसे? कहा उनके जो मन की उम्र थी वो 10 वर्ष थी। कितनी थी? 10 वर्ष। 10 वर्ष के बच्चे के मन में छल कपट नहीं होता, वो निस्वार्थ निश्चल निष्कपट होता है। इसलिए मन की उम्र थी 16, मन की उम्र थी 10। जब बच्चा 16 साल का होता है, बच्चे हों चाहे बच्चियां बेटियां, 16 वर्ष के होते ही मन में विकार आने लगते, मलिनता आने लगती, कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं। तो कहा कि सुखदेव जी की शरीर की उम्र 16 है, शरीर जो देखने में है वो 16 वर्ष का है, लेकिन मन की उम्र जो है वो 10 वर्ष के बच्चे के जैसी है, निश्चल निष्कपट। और कहा सुखदेव जी महाराज की ज्ञान की जो उम्र है वो 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितनी, इतना अनुभव, जैसे 82 वर्ष का कोई वृद्ध हो, बुजुर्गों को अनुभव ज्यादा होता है। तो ज्ञान की उम्र 82 वर्ष, मन की उम्र 10 वर्ष और शरीर की उम्र 16 वर्ष। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि परम सुंदर, परम अवधूत, परम हंस, परम संत 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन होता है। और जब सुखदेव जी वहां पर पहुंचते हैं तो बड़े बड़े बूढ़े 100-100 साल के जो संत हैं वो सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ परीक्षित सोचते हैं कि ये 16 वर्ष का बालक है, इसे 100-100 वर्ष के संत प्रणाम कर रहे हैं, हो ना हो इनमें कोई विशेषता है। और परीक्षित ने भी सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया है। उस समय सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा है कि हे परीक्षित, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। यदि तुम्हें वो तक्षत काट चुका होता, डस चुका होता, उसके डसने के कारण तुम्हारे ऊपर उसका जहर चढ़ गया होता, उसके जहर चढ़ने के कारण तुम्हारी उंगलियों के नाखून नीले पड़ गए होते, तुम्हारी आंखें चढ़ गई होती, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते, और ऐसी अवस्था में भी यदि तुम मेरे पास आते और कहते कि मेरा कल्याण करो, तब भी मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता, कृष्ण चरित्र सुनाता। चिंता क्यों करते हो? अभी तो 7 दिन हैं तुम्हारे पास, और इन 7 दिनों में सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाएंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में परीक्षित आए, माँ गंगा के तट में, दक्षिण तट में उत्तर दिशा तरफ मुख करके कुसा की आसन पर परीक्षित बैठे, एक उच्च आसन पर सुखदेव जी विराजित हुए, और फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया है। मूल रूप से भागवत की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा,
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।